पंजाब पुलिस वालों समाज विरोधी अंसरां नूं नत्थ पाउण लई चलाई गई मुहिम के तहत जिला फाजिलका SSP सरदार भुपिंदर सिंह जी के दिशा निर्देश ते फाजिलका थाना सिटी पुलिस वालों बीते दिनी 3 समाज विरोधी अंसरां नूं गिरफ्तार किया गया है, जिन्हां कोलों 1 मोटरसाइकिल अते 6 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सिटी SHO सचिन कुमार ने दसिया, फाजिलका पुलिस के ASI जसवंत सिंह ने मुख भीड़ की सूचना के आधार पर इन्हों काबू किया है। समाज विरोधी अंसर से नथ फाजिलका पुलिस वो लगातार पाई जा रही है। उन्हें समाज विरोधी अंसर क्या या तो वह समाज विरोधी काम छड़ देन या फाजिलका छड़ के किसी होर स्टेट में चले जाएँ, क्योंकि फाजिलका जिले में समाज विरोधी अंसर खिलाफ बड़ी वड्डी मुहिम विढ़ी गई है, जिस तहत फाजिलका जिले में एक भी समाज विरोधी अंसर नहीं रहन दिता जाएगा। इस मौके बोलते हुए थाना सिटी SHO सचिन कुमार ने की कुछ किया, सब कुछ जानने लिए साढ़े नाल बने रहो। 7 किलो चुका सी तो 12 किलो दुकान वाले तो बरामद किया। अरे दुकान वाले को कितना बरामद? एक चोरी क्यों करते सी? चोरी पहले नहीं सी, कहाँ करके पहले साढ़े चोरी हो गया सी, कहाँ करके कितने? कितने रहने हो? मच्छी मार्केट में रोड रोड से। और क्या क्या चोरी किया है? यही कितने? और भी चोरी कुछ किया है? क्या चोरी क्या किया है? सांबा चोरी किया। और भी कुछ चोरी किया है? नहीं वो। कितने जने रहो? कितने लोग हो? 3 लोग हैं। चोरी क्यों करते हो? चोरी करा दे जी। क्यों करते हो चोरी? क्यों करते हो? पैसे नहीं था मुझे। क्या इतने बड़े हो गए काम भी कर सकते हो? मंडी में लगा रखो जी, एक बार चोरी कर लिया बस। और क्या क्या चोरी किया है पहले? बस यही काम चोरी किया। मोटरसाइकिल भी उठाते हो? नहीं हो। FIR नंबर 6275 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ 379B ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਜਨ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਗੇ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਦੀਪੂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਾਂਗਾ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤਰਾਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈਕ ਖੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। की कार्रवाई सर की गई? इन्हें 379B का मुकदमा दिता गया। इस तो पहला 15-20-25 दिन पहला भी इन्हों चोरी का मुकदमा इतने अपने थाना सिटी में ही दर्ज किया गया सी। जी मतलब चोरिया करन दियादी है जी? हाँ जी हाँ जी, ये चोरिया करन दियादी ने बहुत वारदात की। इन्होंने अपने फाजिलका तो करीब 4-5 बाइक चोरी किए जी। हूँ इन्हों को बरामदगी हुई है? हूँ इन्हों तो एक तो खोह वाला मोटरसाइकिल बरामद होया, तो एक होर होया, दो बाइक बरामद किए गए। सर पता लगे मोटरसाइकिल चोरी करके कितने बेचते सी? ये मोटरसाइकिल चोरी करके आदि पिंडा की साइड ही वेच देंगे जी, किसी जिमीदार को वेचता जी। तो हम सर की कार्रवाई अगे की जा रही है? अगे इन्हें इस तो अलावा इन्हों तो होर बरामदगी पुछ पड़ताल की जा रही है। सर अदालत पेश किया गया इन्हों? इन्हों अज 2 दिन के रिमांड पर है, कल पेश किया गया। सर हम तक किन्ने को मुजरम तुम फड़ लें, किन्ने को रिकवरी कर ली? जदों का मैं थाना सिटी का चार्ज संभालिया तकरीबन 35-40 चोरों जेल भेज चुके हैं। किन्नी रिकवरी सर? रिकवरी बाइक दे तकरीबन 10-12 बाइक हो गए, 20 के करीब मोबाइल फोन हो गए, 17 साइकिल रिकवर किए। जे सर किसी ने अपना बाइक या मोबाइल वापस लेना हो तो संपर्क किस तरह कर सकता? वो कोर्ट के थ्रू इन्हें सपुरदारी लैके आता अपने व्हीकल या जो भी मोबाइल वगैरह लै सकते। मामला कि अपना तांबा चोरी होया सी, ते उन्दे संबंध च FIR नंबर 64 दर्ज की है 379B। इन्दे च 3 चोर की अरैसट पाई गई मुकदमे च, एक तो राजा कुमार ते बबलू कुमार ते जगदीश कुमार। ये तिन्ने वैसे बिलोंग बिहार तो करते हैं, बट हुण इस टाइम इत्थे मच्छी मार्केट कोल इन्हां दी रैश है। सर कदों चोरी होया सी जी तांबा?
ਇਹ ਤਾਂਬਾ ਕਰੀਬ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ? ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੋਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂਬਾ? ਇਹ ਆਪਾਂ 12 ਕਿਲੋ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲੇਗਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੋ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ FIR ਲੋਡ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਸਰ? 3 ਮੁਲਜ਼ਮ। ਕੀ ਨਾਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਬੱਬਲੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ABN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸੇ ਹਮ ਅਪੀਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ABN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪਰ ਐਸੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰੇ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।